का मैसेज तरह क्या कहना चाहेंगे आप और इसमें आपका किस तरह किरदार ठीक कुछ शेयर कीजिए। सबसे पहले जो भोजपुरी बात है कि जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। और फिल्म का टाइटल जो है वो हमारे इंडियन कल्चर बेस पे है, लंका का सीता। तो जहाँ पे हम अपने रिलीजन्स को लेके चलते हैं ना वहाँ हमारी फिल्में अच्छी बनती हैं। और आप हमारी फिल्म का ट्रेलर देखिए, 25 तारीख को हमारी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा। और जितने भी दर्शक हैं हम चाहते हैं कि वो हमारी फिल्में देखें जाएँ। 25 नवंबर को सारी हिंदुस्तान में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। किस तरह कैरेक्टर है? मैं नायक हूँ इस फिल्म का और लंका में सीता टाइटल है। और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग जाइए देखिए। कुछ सस्पेंस है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं। फिल्म ट्रेलर देखिए, उसमें कमेंट कीजिए कि आपको मेरा काम कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी। अपहरण आपने ही तो नहीं किया कहीं? नहीं नहीं नहीं, हमने अपहरण नहीं किया है, रावण ने किया है अपहरण। बट कोशिश किया है कि राम जी का रूप लेके या उनका एक छोटा सा अक्ष लेके हम उन जैसा बन सके। राम जी के कैरेक्टर को निभाने के लिए कितना भय था, कितना डर था, कि बहुत बड़ी? नहीं, राम जी का कैरेक्टर निभाने के लिए कोई भय नहीं चाहिए। एक राम जी तो वैसे भी कल्याणकारी हैं, जो कल्याण करने के लिए आए थे। तो आप अगर उनके कदमों पर चलोगे तो आप वैसे ही हो जाओगे। तो मन को शांत रखिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए और काम कीजिए। हाँ, मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि दर्शक जैसे पहले फिल्मों को मुझे प्यार दिए हैं, इस फिल्म को भी देंगे, उससे ज़्यादा देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब से कि आप लोग प्लीज़ 25 तारीख को जाइए अपने फिल्म नज़दीकी सिनेमाघरों में और इस फिल्म को देखिए। आपकी कोस्टार के साथ में कैसी केमिस्ट्री थी? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत फंबल भी हैं, मतलब चीज़ों को लेके चिड़चिड़ा जाती हैं। बट सेट पर जब काम करने का टाइम आता है ना तो बहुत मतलब घुल मिल जाती हैं, फिर नहीं लगता कि आप उनके पहली बार काम कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ। डायरेक्शन की अगर बात करें तो साउथ के डायरेक्टर इन्होंने कहा दो तीन और भी सुब्बा राव जी की बात करें फिल्म की डायरेक्शन की, तो वो तो मेरे आइडल डायरेक्टर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन सीखने को मिला, बहुत चीज़ें मिला। तो थैंक यू सर, आई लव यू। और कुछ कहना चाहेंगे? बट मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं चाहता हूँ कि सर आप लोग सब जाइए इस फिल्म को देखिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। अभी मेरी एक दो फिल्में आने वाली हैं, डिस्को राजा मेरी फिल्म आ रही है, एक मेरी फिल्म तेलुगु आ रही है, कैश आ रही है। तो इस तरीके दो तीन मूवियाँ हैं और जब भी वो आएंगी तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो और अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। कोई और कैरेक्टर ऐसा जो आप निभाना चाहें, आपको ऑफर हो? मैं कुछ है जो मुझे लगता है कि हाँ है, मुझे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो करना है, जैसे कि कोई एक अच्छा डायरेक्टर मिले जो एक्टिंग बेस्ड फिल्म हो, तो मैं वो कैरेक्टर करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।